आपकी उन स्टार से मुलाकात करवाएंगे जो एक न्यू एल्बम म्यूजिक वीडियो लेके आए हैं और नई जोड़ी है शांतनु एंड रिचा. वेलकम गाइस. थैंक यू. वाओ वाओ. जिसका नाम है गुड़ खाके. इतना कैची नेम भी है और कैची कॉन्सेप्ट और स्टेप भी है. या हुक स्टेप भी है. आपने किया? No, I can't. तो क्या कुछ खास इस स्टोरी के बारे में बताना चाहेंगे जो अलग सी रोमांटिक क्यूट सी लव स्टोरी है? ये वो बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप की लुक लुक हवा हवा वाली लव स्टोरी है जहाँ पर यू नो यू आप पहली बार लड़का या पहली बार लड़की ऑपोजिट को देखता है एंड यू नो दे जस्ट हैव सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड दे जस्ट फॉल फॉर इट एंड यू नो आप सोचते हो कि ऐसा हो एंड होते रहता है ऐसा. सो दैट्स द रीज़न कि लास्ट में यही लिखा है कि टू बी कंटिन्यूड. सो यू नो इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ लव स्टोरी. सो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी प्यार में है एकदम पागल हो गए. इट्स जस्ट हाउ यू पीपल नेचुरली मीट एंड यू नो ओल्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे प्यार होने लगता है जो आजकल बहुत मिसिंग है. मुझे ऐसा लगता है आज के सॉन्ग्स में ये सारी चीज़ें बहुत मिस करते हैं. आई एम श्योर पीपल विल लाइक इट बिकॉज एक्चुअल रियल लाइफ में तो ऐसे ही इन द मोमेंट हो रहा है सब चीज. ऐसा नहीं है कि आपको देखा इंस्टाग्राम में पूरा देख लिया कि क्या क्या चीजें पसंद है, क्या करती है, कहाँ रहती है. ऐसा नहीं है सर. और एक अनोखी चीज भी है जहाँ की फोटो छुपा लेते वो लड़की की. हाँ. शायद वो कुछ पुराने दिन 90s के याद दिलाते कह सकते हैं. हाँ मतलब यू नो पासपोर्ट साइज फोटोज वो पहले के ऐसे रहता था कि रुमाल या दुपट्टा चुराना. हाँ, वो ही चुराना जो रहता था कि तो वैसे ही काइंड ऑफ हुआ. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा इसमें इस सॉन्ग में एक सोल है जो जनरली एक रोमांटिक सॉन्ग जब होता है तो स्टोरी होती है सब कुछ होता है बट एक कनेक्टिविटी एक होता है ना कनेक्शन सोल. तो मुझे लगता है वो जो फोटो छुपाना और उसके पीछे जो पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. या वेरी क्लोज एंड देन इट हैज लाइक अ वाओ मोमेंट ऑफ underwater romance and everything. वो हम दोनों का भी पहली बार था. We both were very nervous but at the same time very excited कि कुछ तो अलग है ये. अपन try करेंगे. This is going to be really cool. I was so very nervous. I was thinking I'll spoil it. I am going to spoil this. Because it's very difficult कि आप you know choreography movements दे अंदर unless and आपको आता है you know सांस रोक के and you know you are very क्या बोलते हैं acquainted to the movement. Yes. And water कैसे resist करना है, कैसे pressure handle करना है. But somehow we managed and Shamshir जो हमारा DOP था वो भी he really helped us out and he taught us how to hold your breath inside and water there are a lot and behind do those the scene twirls. Videos. I think Massey will be very excited. especially shoot के बाद एक दिन तक we both were so scared because we couldn't see anything. Our vision and a blur. नहीं ऐसे अंधे नहीं हो गए थे मतलब बहुत blur हो गया था. foggy हो गया था. बहुत ज़्यादा foggy हो गया था and we were like. मैं तो मतलब दो तीन घंटे के लिए I had this panic attack. मैं ठीक होंगी वापस आऊँगी. Then I asked him. He was like I am also facing the same. फिर शमशेर से पूछा. He said it'll be fine. अच्छा साथ में पहली बार दिख रही है जोड़ी म्यूजिक वीडियो के एल्बम के थ्रू तो किस तरह का एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ वर्क करने का? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है इंटरव्यू में आज रोज़ मैं कहने वाला हूँ कि काफ़ी इंटरव्यूज़ है बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग सो आई कॉन्ट टेक दैट अवे फ्रॉम हर एंड बहुत मेहनती. ऐसा नहीं है कि यू नो कुछ चीज़ें ईगो पर नहीं लेती है. इवन लाइक आई हैव वर्क विद द टीम जो डायरेक्शन है बल्कि मल्होत्रा मैसी जैक बट शी वॉज न्यू टू दीज गाइज बट जो भी बोलते थे क्रिटिसाइज करते थे या हंसते थे कभी कभार यू नो जस्ट टू मेक हर फील कम्फर्टेबल शी हैज़ टुक इट वेरी वेल एंड शी न्यू कि वो चीज़ निकालने के लिए उस पर उसको टोका जा रहा है या उसको बोला जा रहा है एंड शी टुक इट वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड she's looking beautiful it, and it was a hard work for Palki I'm sure to make me act the way I am doing it. Would lag raha hai ki bahut effortless hai mera but wo itna effortless tha nahi. Palki was behind me overacting nahi karna hai yahan bas zyada kar diya. He is so already an actor isko to itna kuch zarurat bhi nahi. And a dancing star too. Dancing to what to say I was expecting so much iske sath dance karne ko milega. I was so excited but theek hai there was no dance. Yeah, koi aur kar lenge na apne yaar dancing wala. Finally viewers ko fans ko kya kahenge itni amazing chemistry is music video ke through dekh rahe ho aur itna anokha project aap dono leke aaye. Maine dekha hai aur inka music video. Yes I have also seen that video. It's very amazing and very catchy. Now you also say to your fans hum yahi bolna chahenge ki agar aapne abhi tak gana nahi dekha hai ya sirf ye interview dekha hai to aapko bilkul relate nahi kar pa rahe honge ki kya cheez ke bare mein
में बात कर रहे हैं हम. बट इसीलिए जाइए म्यूजिक वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, लिसन, दो मिनट की बात है, आप अपने कीमती शेड्यूल से इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं. प्लीज डू वॉच इट एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू शेयर इट एंड जस्ट एंजॉय द म्यूजिक. Enjoy the music and go back to your crush time or you know your love. Just listen to it. Listen to it. प्यार के बारे में सोचिए. And मर जाओ. Good luck. Thank you so much, guys, and all the very best. Thank you so much. Cameraman Sanjay के साथ शिल्पा पाटिल, E24 Mumbai.